हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर भी रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं रिव्यू लेकर आई हूं आप लोगों के लिए सनस्क्रीन का, जो कि बहुत ज़्यादा लेट है। आई नो आधी समर्स जो है वो जा चुकी हैं, बट ये जो सनस्क्रीन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर किसी को बाय करनी होगी वो कर सकता है, और अगर कोई इस सनस्क्रीन को यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे भी बताओ आपको ये सनस्क्रीन कैसी लगी। अब हम बात कर लेते हैं लैक्मे एक्सपर्ट सनस्क्रीन की, जो कि है SPF 50 और ब्लॉक करती है 97% तक यूवी रेज को। और अगर मैं बात करूँ तो लैक्मे की दो सनस्क्रीन आती है, एक है अल्ट्राजेल और एक है टिंटेड सनस्क्रीन। आज मैं रिव्यू करूँगी टिंटेड सनस्क्रीन का, और ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी। और सनस्क्रीन जो है हमें यूज़ करनी चाहिए समर्स में, जो सन की यूवी रेज होती हैं उनसे बचने के लिए, जो हमारी स्किन को काफ़ी डैमेज कर देती हैं। अब हम बात करें कि ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या नहीं। यस, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, पर इसमें कोई शेड अवेलेबल नहीं है। आपको एक ही शेड मिलेगी, वो है ये वाली, और ये हर स्किन टाइप पर सूट हो जाती है और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। अब मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की, जो कि 125 है। और ये वाला मैंने इसलिए लिया था 18 ml का, क्योंकि मुझे पहले यूज़ करके देखनी थी कि ये इफ़ेक्टिव है नहीं है, अच्छी है नहीं है, इसलिए मैंने इसे बाय कर लिया। ये वाली जो सनस्क्रीन है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट टोन गिवन करेगी, और दूसरा इसमें जो है परफेक्ट टोन के साथ साथ दो चीज़ें मिलकर बनी हुई है, ये कुकुम्बर और लेमन ग्रास, जो कि काफ़ी अच्छी है, आपकी स्किन को रिफ़्रेश करने में हेल्प करती है। और कुकुम्बर तो हम सबको पता ही है, गर्मियों में बहुत सारे फेस पैक्स ऐसे हैं जिनमें, अगर मैं बात करती हूँ इस सनस्क्रीन की, तो ये दो चीज़ों से बनकर मिली है, कुकुम्बर और लेमन ग्रास। बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लिखे गए हैं प्रॉपरली, ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाईलाइट करके लिखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको एक परफेक्ट स्किन टोन गिवन करेगी, लाइट वेट सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी आपको लगाने के बाद फील नहीं होगा जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी फील होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद, ऐसा आपको फील नहीं होगा। काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, आप चाहे तो इसे यूज़ करके देख सकते हैं और मुझे अपना रिव्यू बता सकते हैं कि इसे यूज़ करने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इस क्रीम का टेक्सचर कुछ ऐसा सा है जैसे कि फाउंडेशन का होता है या बीबी क्रीम का और सीसी क्रीम का, और इसे लगाने के बाद वैसे ही परफेक्ट टोन आती है जैसे कि हम बीबी क्रीम या सीसी क्रीम को लगाने के बाद आती है हमारे फेस पे। और इसे यूज़ करने के बाद आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा, सो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमें बीबी या सीसी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको मेरे हाथ में डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा कि ये परफेक्टली टोन करती है या नहीं। If you like my video, please subscribe my channel for more videos. मेरे आने वाले videos के लिए मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा और bell icon को press करना भी मत भूलेगा, और comment करके बताइए आपको मेरी video कैसी लगी। मिलते हैं next video में, bye bye.